नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पूर्व विधायक सेवक वाघाय पाटिल ने 8 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बयान किया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे साकोली और लखानी विधानसभा क्षेत्र से मुझे ही टिकट देने को कहा गया था, लेकिन मेरे साथ धोखा किया गया और मुझे मिलने की बजाय टिकट किसी और को दे दिया गया। इस वजह से मुझे बहुजन वंचित अखाड़ी से मुझे उम्मीदवारी लेनी पड़ी और मेरे कार्यकाल में अनेक जनता को लाभ मिले हैं। जनता तय करेगी कि कौन उनका विधायक बनेगा, ये 21 अक्टूबर को तय किया जाएगा। एसडीएम कार्यालय हो जाए, मेरा साकोली जिला बन जाए, मेरा साकोली जिला बने का सपना है। फलान दूर छोटी सी तहसील बने, बाजू में उधर झाड़ तहसील बने, ऐसा मेरा एक सपना है। मैं बनता तो कुछ भी, कोई भी सरकार कोई भी है, मैं किसी भी तो ये आमदार बनूंगा, जीतते किसी के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और साकोली को जिला बना के दिखाऊंगा। चाहे सत्ता किसकी भी आए, लड़ाई करके उनको साकोली को जिला देना पड़ेगा। ये मैं ये काम मैं प्रभु भूमिका से करूँगा। आप इसके लिए लोगों ने मेरे को सुन के देना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। भिलाए कोई एक बाजू में मुर्गा अर्जुन में राइस मिल का एक माला के ठंडक, ऐसे एक मारवाड़ी बनिया लोगों के पास करोड़ों रुपए से जमा कर रखा है। बहुजन समाज कुंभी तीली माड़ी धनकर सब लोग उसके पीछे घूमते, ये झूठा है। ऐसा झूठा नेता मैं देश में पहली बार भंडारा दिल्ली में देखा हूँ। अपने नाम के लिए करता है, राहुल गांधी जी उसको मिसअंडरस्टैंड हुआ है। अभी उसको समझ में आया कि भंडारा जिले में 19 में से 17 लाने वाला सेवक आ गया है। इसका पूरा पोल खुली है, अभी देश में पोल खुलने का मालूम हो गया कि क्या क्या किसान नेता है, गाँव का नेता नहीं। अरे कुछ भी नौटंकी कर रहा, पेंटिंग चलाने का किसानों को क्या कर रहा है। ये सब बातें हैं, ये सब उजागर हो जाएंगी और ऐसे आदमी को जनता ने सबक सिखाएंगे, अब जनता नहीं सिखाएंगे और लाखों दौरान लोग नहीं दुरुस्त होंगे तो मैं उसके लिए वो जिम्मेदार रहेंगे। मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ सच्चाई के लिए और लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे को कोई आमदार बनाऊ, मैं आमदार रहा हूँ, मेरा आमदार कोई सपना नहीं है। मैं 10 साल अभी भी आमदार नहीं था, कोई फर्क पड़ता नहीं, बहुत काम है। आपके क्या संदेश है जोड़ के निवेदन है, आप गलती मत करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता को जो जिला परिषद पंचायत समिति मेरे वजह से बने, उनको मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, पार्टी है, पार्टी का मैं अलग भी नहीं, मैं भी कोई ये नहीं हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। लड़ने के लिए लड़ने वाला तुम्हारे लिए मैं लड़ा हूँ, तुम साथ दो जिंदगी में तुमको भी अच्छा लगेगा। तो ये मेहमान को साथ दूंगे, तुम भी पछताओगे। ये जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों को मैं आह्वान कर रहा हूँ, पार्टी का विषय नहीं, ये पार्टी में था ही नहीं, ये पार्टी कहाँ से लाना पड़ गया। लाना पड़ोगे भाजपा में राहुल गांधी सोनिया गांधी को गाली देने वाला आदमी, हाउस में मार वो यहाँ पे कार्यकर्ता प्रफुल्ल पटेल को बोले सेंट्रल मिनिस्टर था प्रफुल्ल पटेल, उसको छूट गाली देता था। वो उद्यान मंत्री था तो उसको अलग नाम से पुकार व्यंग पुकारता था। ऐसा एक झूठा नौटंकी ये हमारे जिले में जिला है, जो खत्म करके पार्सल नागपुर में भेजने का प्रयास में लगा, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। मेरा कोई किसी से नाराज नहीं। वो आदमी जो बहुजन समाज को गुमराह करके 20 साल से लखानपुर साकोली के जनते को गुमराह कर रहा है, इसको खत्म करो। लगे तो काम कर लेना आदमी का, मेरा एक नाम है, मेरे को मदद करो, ये मैं विनती जनता से कर रहा हूँ। आप जीत के इलेक्शन नजदीक है और उसके बाद आपका नाम कट गया है कांग्रेस पार्टी में, हिंदी में कांग्रेस पार्टी में चलते रहता है, कहीं टिकट काटा जाता है, किसको मिलता है एक को दूसरा। ये पहली बार ऐसा हुआ तो मेरे को टिकट मिली और उसके बाद में ये भी भ्रम कोई और ले गया है। सोनिया गांधी जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी लोगों ने एक ही नाम मेरा भेजा और वहाँ पहले भी तय हुआ था कि शिव बाबा वाघाया से ले लेंगे और ये नागपुर से खासदार ले लेंगे। सब तय होने के बाद में भी ये आदमी को जो मैंने 19 में से 17 जिला परिषद मैंने चुन के लाया और 17 जिला परिषद में पंचायत समिति दोनों जीत के लाया, इसकी लालच इस आदमी को हो गई। इसने मेरा बीफाम चुरा के बॉम्बे से ये लेके आया, मैं दिल्ली में रहा। 5:45 टिकट भी मेरी प्लेन की, 5:45 का मेरा फ्लाइट था दिल्ली टू नागपुर। मैं फ्लाइट में आया 4:30 बजे एयरपोर्ट पर आया, तब मेरे को ये मालूम हो गया कि 12 बजे वहाँ से मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में जाने के बाद मैंने और सुबह का फ्लाइट मेरे को नागपुर रिटर्न था, लास्ट दिन फार्म भरने का था, तब मेरे को मालूम हो गया बीफाम इसने गोंदिया में लड़ता हूँ, तो मेरे को तुमसर लड़ो करके उन्होंने बोल दिया। मैंने बोला मैं किसी के एरिया में जाता नहीं, मैं लड़ूंगा अपने यहाँ लड़ूंगा, और मैंने वो उनका बीफाम नहीं चुकाना प्रामाणिकता रखा और इसने वो बीफाम साकोली गोंदिया का बीफाम साकोली में डाल के लोगों को गुमराह कर दिया। ये आदमी टिकट बांटता हूँ, मैं बांटने वाला हूँ, खुद की टिकट पहले लिस्ट में नहीं, दूसरे लिस्ट में, तीसरे लिस्ट में नहीं है। तो ये लोगों को करोड़ रुपए खर्च करने लगा है, बैनर पोस्टर लगाना, ये इसका धंधा हो गया। नागपुर में भी ये चुनाव लड़ा सिर्फ पैसा कमाने के लिए लड़ा,
हम लोगों ने भी उसके लिए पैसे लगाए, मैंने खुद भी स्वयं उसके लिए मदद किया। वो बाकी नागपुर के कई लोगों ने, वो आज गाले दे रहे हैं। राजकारण सा गंदा मैंने कभी जीवन में नहीं किया, इसलिए इसको सबक सिखाने के लिए मेरी भी ताकत है। दलित मेरा समाज और ओबीसी समाज और अभी तेली समाज, माड़ी समाज, सब समाज के लोग काम कर रहे हैं आदमी करके। मेरे को आमदार की महत्व नहीं होती, आमदार काम करने लगता है, बीच में छोड़ता है, बीच में चले जाते, छोड़ता, काम किसी का नहीं किया। किसी एक लड़के को नौकरी नहीं दिया, पटोले नाम के चार लोगों को मैंने नौकरी दिया हूँ आज तक जिंदगी बनाए। तो ये मेरा एक काम करने का अलग तरीका है। वो आदमी यही काम, जिंदगी झूठ बोलना, चापलूसी करना और पैसे वालों को मदद करना, गरीब जनता का कुछ लेन देन नहीं, समाज का, उसका भी, वो समाज होगा झाड़े खोलने से बाद उसके भी बच्चों का कुछ उद्धार इसने किया नहीं, सिर्फ उनको ये करके किया। ऐसे आदमी को भी वक्त आया है सबक सिखाने का, और ये 21 तारीख को जनता सबक सिखाएंगे। और आम जनता